हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अर्पिता कीर्ति। आप सब कैसे हैं बताइए। आई होप कि आप सब मस्त हैं, मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ मतलब शेयर करने वाली हूँ, फाइनली वो मैं परचेज़ कर पाई हूँ, तो वो मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगी। तो उससे पहले अभी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, खाना भी बनाना है, सब कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो चीज़ क्या है जो मैंने परचेज़ किया है। इतना बता दूँ कि वो चीज़ गोल्ड का है, ठीक है। तो वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, छोटा सा ही चीज़ है बट दिखाऊंगी क्या है। तो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल को अभी न्यू देख रहे हैं और जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर करना। और प्लीज़ गाइस, थोड़ा सा मतलब वीडियो को देखिए, थोड़ा व्यूज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो प्लीज़ गाइस मुझे मतलब आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप लोग अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो अभी मैं रखती हूँ, ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि खाना भी बनाना है। तो अभी मैं रखती हूँ, बाय। तो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट हो चुका है, हस्बैंड भी ऑफिस चले गए हैं और बेटा तो कब का सुबह को स्कूल चला गया है। तो आज मैं सोच रही हूँ थोड़ा लेट से नहाऊंगी क्योंकि ठंडा लग रहा है, जबकि मैं गर्म पानी में ही नहाऊंगी फिर भी ठंडा लग रहा है और मन भी नहीं कर रहा है। तो थोड़ा देर बाद नहाऊंगी, तो उससे पहले मैं अभी खाना बना लेती हूँ पहले, फिर उसके बाद नहाऊंगी। और क्योंकि मेरे हस्बैंड खाने के लिए आ जाएंगे तो उस टाइम पर मतलब हड़बड़ी हो जाता है कि आएंगे आएंगे, खाना बनाना होगा और उनको एकदम गर्मा गर्म रोटी देना पड़ता है, वो ठंडा नहीं खा पाते। तो पहले सब्ज़ी वगैरह बना लेते हैं, आटा वाटा रेडी कर लेते हैं, उसके बाद नहाऊंगी, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, मतलब हस्बैंड खा के चले जाएंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने क्या परचेज़ किया है। तो चलिए अभी चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो फ्रिज में मेरा भिंडी था, तो मैंने भिंडी का सब्ज़ी मैंने बनाया है, क्योंकि रोटी के साथ खाएंगे तो कुछ भी चल जाता है। तो सब्ज़ी आपका भिंडी ही था, तो भिंडी मैंने बना लिया है और इधर मैं आटा भी तैयार कर चुकी हूँ। तो अभी मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो ये देखिए आटा भी मेरा तैयार है, और थाली पे मत जाना क्योंकि मेरा ऐसा ही थाली बन जाता है, उतना मतलब परफेक्टली मुझे नहीं आता है। तो ये मेरा आटा है, रोटी जबकि मेरा सॉफ्ट सॉफ्ट ही बनता है। तो ये आटा भी रेडी हो चुका है, सब्जी भी रेडी है, अभी जाऊंगी नहाने के लिए। तो मेरा खाना बनाना हो गया है कम्प्लीट, तो अभी जा रही हूँ नहाने के लिए। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे फिर खाने के लिए, तो पहले नहा लेती हूँ, फिर खा वा के आप लोगों के साथ मिलते हैं, मतलब मैं नहीं खाऊंगी, बेटा के साथ ही खाऊंगी। तो हस्बैंड खा के चले जाएंगे, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, बाय। तो ये देखिए गाइस, हो गया मेरा, मतलब मैं फ्रेश होकर आ गई हूँ। अभी थोड़ा सा क्रीम वगैरह लगाना होगा, पूरा ड्राई लग रहा है, पूजा करके आई हूँ इसीलिए टीका लगा के आई हूँ। तो अभी थोड़ा सा मतलब क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ, फिर हस्बैंड को फ़ोन करना होगा, खाने के लिए आएंगे तो करते हैं, फिर आप लोगों से बात करते हैं, ठीक है। तो गाइज, बेटा भी आ गया है स्कूल से घर और वो फ्रेश होने के लिए गया है, और वो देखिए चार चार कैंडी लेके आए हैं, तो मैं ही दो खा जाऊंगी, मुझे पता है। तो आज मैंने खाना मतलब लंच कर लिया है, क्योंकि मेरा मतलब सब्जी अलग था और बेटा का अलग है, मतलब क्योंकि उसका पनीर बना है तो वो पनीर से खाएगा। तो मैंने सोचा वेट करके क्या होगा तो खा लेते हैं, तो मैंने लंच भी कर लिया है, बेटा को बस खिलाना है तो उसका भी टाइम लगेगा। तो मैंने सोचा तब तक आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो आप लोग गेस कीजिए इसके अंदर क्या है, गेस करके बोलिए क्या है, क्या हो सकता है। तो इसके अंदर है मेरा, देखिए यहाँ पे जो पेयर्सिंग मैं की थी, इसमें मैं ऐसे ही मतलब अलग मतलब गोल्ड का नहीं, नॉर्मल एक इयररिंग पहन के रखी थी। तो मुझे पेन भी हो रहा है कभी कभी, मतलब ऐसे करके सोने से लग रहा था। तो सब लोग बोलते हैं, मौसी भी बोल रही थी, काम वाले मौसी भी बोल रही थी, गोल्ड पहनने से वो ठीक हो जाएगा और होल भी बंद नहीं होगा, तो ऐसे खुला रखने से होल बंद हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने पहले सोचा था कि मेरा जब YouTube से फर्स्ट पेमेंट आएगा तो मैं कुछ परचेस करूँगी, बट अभी मतलब क्या है, मेरा व्यूज़ क्योंकि डाउन हो चुका है, क्या कि इस रीज़न की वजह से पता नहीं, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, प्यार नहीं दे रहे, तो इस कारण की वजह से मेरा अभी मतलब फर्स्ट पेमेंट आने में मतलब कब आएगा मुझे पता तक नहीं है, क्योंकि बहुत टाइम लगेगा बहुत। और इसीलिए मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ गाइज़ मेरा वीडियोज़ देखिए, चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, प्लीज़ इतना रिक्वेस्ट तो मैं आप लोगों से कर ही सकती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट मी। तो इसलिए मैंने, तो चैनल का कब पैसा आएगा, यूट्यूब का कब पैसा आएगा मुझे नहीं पता, तो मैं अपने हस्बैंड को बोल के दो छोटा छोटा इयर रिंग ली हूँ, छोटू सा ये देखिए हार्ट शेप में है, और
ओके, क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। ये हार्ट शेप में है और पूरा इसमें डायमंड लगा हुआ है, ये देखिए, और ऊपर छोटा छोटा मतलब करती दिखेगा या नहीं दिखेगा नहीं पता, नहीं दिखेगा तो बैक कैमरा से दिखाऊंगी। तो ये जा रहा है डिज़ाइन, ओके देखती हूँ फोकस अगर करेगा तो ये जा रहा है डिज़ाइन। रुकिए मैं बैक कैमरा से दिखाती हूँ आप लोगों को। तो आप लोग देख सकते हैं ये पूरा मतलब डायमंड्स लगा हुआ है और एक्स्ट्रा पूछ भी अंदर है, और ये जा रहा है देखने में, देखिए हार्ट शेप में है और ऊपर थोड़ा सा वो कैसा होता है ना लीव जैसा वैसा बना हुआ है, ये देखिए अभी ठीक से समझ में आ रहा है। तो ये है डिज़ाइन, तो अभी मैं इसको पहनूंगी। पहनने में बहुत दिक्कत होगी मुझे पता है, क्योंकि जो मैं पहनी हुई थी वो मैं खोल चुकी हूँ, तो मैं गोल्ड का पहन लूँगी। बट यही है इसमें ना पीछे वो डंडा जैसा है, तो सोने में बहुत दिक्कत होगी, तो फिर भी मुझे यही वाला अच्छा लगा है। और एक अच्छा लगा था डकी टाइप का, तो गाइज और एक जो था वो डकी होता है ना, डकी टाइप का था, मतलब डकी टाइप का था, छोटा छोटा बार्ड जैसा, तो वो मैं बाद में लूँगी, जब मेरा यूट्यूब का पेमेंट आएगा तब लूँगी मैं। तो अभी फ़िलहाल इसी से ये ही पहन के रखूँगी, क्योंकि कितना और परचेस करूँगी कितना, तो यही वाला है। तो रुकिए मैं एक बार इससे दिखाने की कोशिश करती हूँ, अगर अच्छे से समझ में आता है तो। ये देखिए छोटू छोटू सा है, अब कान में पहनना होगा, तो ऐसे तो मैं पहन नहीं पाऊँगी, तो पहन के अगर दिखाऊँ तो ये देखिए, तो मैंने तो बैक कैमरा करके आप लोगों को दिखा दिया, अब देखती हूँ पहन पाती हूँ या नहीं। रुकिए पहनने की कोशिश करती हूँ पहले, नहीं होगा गाइस, मिरर लेके पहनना होगा, कुछ भी नहीं दिख रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। हाँ चला गया अंदर, तो मैं पहन चुकी हूँ एक, इसका ये लगा लूँ पूछ, तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को। रुकिए मैं पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फाइनली मतलब बहुत फाइट करने के बाद मैं पहन पाई हूँ, क्योंकि ये वाला तो मैं आप लोगों से बात करते करते ही चला गया था अंदर। ये देखिए कैसा लग रहा है, ज़रूर बताना, छोटू छोटू सा है एकदम, बट पीछे का वो डंडा मुझे लग रहा है ऐसे लगेगा। और ये वाला पहनते पहनते मेरी हालत ख़राब हो गई, किसी भी हाल पे होल मुझे नहीं दिख रहा है, और होल क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटा है तो मतलब घुस ही नहीं रहा था, मतलब दिख ही नहीं रहा था। फिर मुझे बेटा को बोलना पड़ा कि तू मिरर पकड़, मैं फिर ये करती हूँ पहनती हूँ। तो मैंने पहन लिया है, और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। ये देखिए कमेंट करके बताना कैसा हुआ है। तो हो गया मेरा अभी के लिए, और जब मेरा पेमेंट आएगा तो मैं वो डकी वाला लूँगी, तो वो भी काफ़ी अच्छा था देखने में, तो वो इससे भी थोड़ा सा और ज़्यादा छोटा था, तो मैंने सोचा नहीं वो बाद में लूँगी, अभी ये वाला ले लेते हैं। क्यों, और मुझे ऐसा लग रहा है बाली अगर होता ना तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट बाली मुझे पसंद नहीं आ रहा था, छोटा छोटा रिंग जैसा मुझे लग रहा था, ये ज़्यादा सुंदर है, तो मैंने ये वाला परचेस कर लिया। तो आप लोगों को कैसा लगा है ज़रूर बताना, क्योंकि ये मेरा खुद का तो अचीवमेंट नहीं है, जबकि मैं सोची थी कि मैं अपने मतलब अचीवमेंट से ही करूँगी जो मतलब मेरा आएगा, तो वो कब आएगा भगवान जाने, अब भगवान भरोसे और आप लोगों का सपोर्ट के मैं ऑलवेज बोलती रहती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट मी, प्लीज़ सपोर्ट मी। मुझे क्या, मैं बोल रही हूँ सारा जो न्यू यूट्यूबर है ना, सबको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि उन लोगों को सपोर्ट का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, और जो बड़े मतलब जगह पर पहुँच गए उन लोगों का क्या है, उन लोगों का तो ऐसे ही व्यूज़ आ जाता है, तो उन लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे छोटे छोटे यूट्यूबर को आप लोग सपोर्ट कीजिए, तो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो बहुत मतलब उन लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा, तो उन लोग भी ऊपर जा सकेंगे।
तो आज के लिए यही था, मतलब यही आप लोगों के साथ शेयर करना था। और मैं वेट कर रही थी कब आप लोगों को दिखाऊंगी, उसके बाद पहनूंगी ये वाला। मैं मतलब खोजते खोजते ये वाला में भी पेन स्टार्ट हो गया अभी, तो सोऊंगी कैसे, बहुत बड़ा बड़ा ये है। तो कैसा लगा डिज़ाइन ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा है वीडियो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट ज़रूर करना, और जल्दी से मेरे चैनल को, मेरे क्या सारे न्यू यूट्यूबर के चैनल को इतना बड़ा कर दीजिए। तो अभी मैं रखती हूँ, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। अभी मुझे बेटा को भी खिलाना है, तो बाय, अभी टाटा।